नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी धीरे धीरे तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। यानी मुखिया जी के द्वारा जो भी विकास का काम हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, राशन कार्ड हो, पेंशन हो, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है, इसके साथ साथ अगर जनता इनको दोबारा से मौका देती है तो क्या कुछ सोचे हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, 1932 खतियान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। और इनको जब जनता ने मौका दिया था तो इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा कोई अलग से एमपी, एमएलए, एमएससी फंड से कुछ आपने इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए कोई फंड लाया, अगर लाया है तो किनका आया है और उसका क्या कुछ निर्माण हुआ, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। बहरहाल बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर अतिशीघ्र आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा, यानी इस अप्रैल के फर्स्ट वीक में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा। यानी आप आज के पेपरों में अगर देखा जाए तो जून में पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला और प्रखंड का नाम है पतरातू और पंचायत का नाम है भुरकुंडा और यहाँ के मुखिया हैं सुभाष कुमार दास। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास किया गया है। पहले तो ये बताइए, पहले तो वेब समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अच्छा, ये बताइए कि इन 5-6 सालों में क्या कुछ आपने डेवलपमेंट यानी विकास करने का काम किया? जैसे बहुत सारा काम किया, बहुत तो सीसीएल का क्षेत्र है, जमीन क्षेत्र सीसीएल का है, इसमें एनओसी लेना पड़ता है, इसके बाद विकास किया जाता है। हम लोग को फंड भी बहुत कम मिलता है, सीसीएल का जमीन है इसलिए जो फंड मिलता है उसी में हम लोग नाली, शौचालय, फाइबर ब्लॉक, पानी का व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, जल मीनार, यानी जो जहाँ पब्लिक डिमांड किया उस तरह का काम करते थे। हाँ, बताइए कि पीएम आवास योजना के द्वारा कितने लोग को आवास मिला? हमारे पास सीसीएल का जमीन है इसीलिए हमको पीएस नहीं मिला। शौचालय कितना? शौचालय तो 2000-3000 पार कर गए हों। 3000? हाँ, मेरा ख्याल 3000 लोगों बनवाते। हाँ, अब मेरा ख्याल से अब ज़्यादा आदमी का नहीं होगा, 20-30 आदमी का मुश्किल से होगा और होगा। हाँ, फिर चालू होगा तो उसको भी खत्म कर देंगे। अच्छा, ये बताइए कि पेंशन कितने लोगों बनवाए? पेंशन करीब 300-400 आदमी का लगभग बनाया, उतना याद नहीं है मगर बना दिए बहुत बहुत झन का। कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में क्या कहें, एक तो डर अपना भी था कि अपना जान चला जाएगा, 500 रुपया मेरा तनख्वाह, मुखिया नाते होने से कोई काम करने के लिए भी डरता है। फिर भी इसी में हम लोग राशन भी बांटे, चावल बांटे सबका, फिर घर घर जाके छिड़काव किए, उसका जांच किए, तो फिर मशीन उशीन सरकार दिया था उस सब से भी जांच किए हम लोग जा जाके घर में। बहुत तरह का खर तकलीफ तो आता है लोगों को, हाथ जोड़ के गिनती करके वैक्सीन लेने के लिए करते थे। बहुत पब्लिक लोग दूसरा टाइप का बोलता था कि सुई ले लेंगे मर जाएंगे तो का कर लीजिएगा आप, का दे दीजिए। कोरोना का मरीज हमारे यहाँ करीब ज़्यादा नहीं 20-30 को मिला जो बाहर से आया था, बस उसी का हुआ। कितने हताहत हुए, कितने लोग सुरक्षित हुए? हाथ तो करीब उतना तो याद नहीं है मगर ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ 30-40-50-40 से कम में होगा लगता है, 30 से भी कम होगा। हाँ, मिला था। सब लोग स्वस्थ हैं? सब स्वस्थ हैं, कोई हताहत नहीं? कोई हताहत नहीं। अच्छा, बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम बताइए जो पूर्व में नहीं हुआ, जो आपके कार्यकाल में हुआ। हम तो जो ये भुरकुंडे में पैदा लिए हैं, इतना बड़ा हो गया था मच्छरदानी नहीं बटा था, पहली बार मच्छरदानी बटवाया, घर घर बटवा। हाँ, घर घर बटाए, अभी कुछ 2-3 वार्ड बाकी है, आएगा तो फिर उसको भी बटा देना। हाँ, बटवा देना। ये आपका ऐतिहासिक निर्माण बताइए कि डेवलपमेंट क्या किया, जैसे सड़क नली? हाँ, सड़क नली सब वार्ड में हम बनाए। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके नज़र में ऐतिहासिक ये काम हो सकता है शौचालय? हाँ, शौचालय वो ऐतिहासिक है, घर घर में पानी आया वो भी ऐतिहासिक है। ये सब है, हमारे खुद जैन सिन्हा जी हैं वो भी फंड कुछ दिए थे तो उसमें हम लोग रोड नाली उली भी बनाए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर कोरोना काल में तो अभी जो सरकार है वो हम लोग को फंड अगर देता है तो हम लोग और विकास कर सकते हैं। अच्छा, 1932 को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी प्रतिनिधि है? हाँ, 1932 तो लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए, लागू उसे क्या लाभ मिलेगा?
उससे लाभ क्या मिलेगा, यहाँ का जो गरीब दुखिया है उन लोगों को काम धंधा भी बढ़िया से मिले। आजकल तो बाहर से आता है नौकरी मिल जाता है, सब उसी का चल रहा, गरीब आदमी गरीबे रह जा रहा है। सवाल उठता है कि इस पंचायत या इस पंचायत के नहीं पूरे झारखंड की बात करते हैं, तो एक प्रथा है जो पूर्वजों से आ रहा है, हड़िया का सिस्टम है, और सरना भगवान का कहना है कि मुझे प्रसाद के रूप में चाहिए, इसका सेवन नहीं कर सकते हैं, अगर इसका सेवन करेंगे तो इससे जो है प्रलय आ जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए कि यहाँ के मूल जो निवासी हैं अपने आप को डेवलप नहीं करने का कारण यही है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, सही बात है, ये तो बाहर से आदमी आता है यहाँ डेवलप कर जाता है, मगर यहीं का आदमी है कि डेवलप नहीं कर, डेवलप नहीं कारण क्या है? वही नशा, यहाँ का जो है मतलब खनिज संपदा जो है, वो भी बहुत है, बहुत है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं, गरीब है, सही बात है ये। आखिर डेवलप क्यों नहीं होते? डेवलप नहीं होता है कि जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव, पढ़ल लिखल ज़्यादा नहीं है, अब कुछ पैसा मिला तो अपना नशा का धुन में रह गया बस। हाँ, तो इसके लिए नशा मुक्ति को लेकर कुछ अभियान आपने चलाया? नशा के लिए अभियान तो चलाया था, कुछ दिन सरकार बंद भी किया था, मगर फिर चालू हो गया। अच्छा, अगर जनता मौका देती है तो क्या कुछ सोचे इस पंचायत के डेवलपमेंट में? अब तो सोचे हैं कि जैसे जानकारी हमको भी शुरू से बढ़िया तरह से नहीं था, सीखते 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 बहुत कुछ सीख गया। अब जो महिला हमारे बेरोजगार बैठल रहते हैं घर में, उन लोग को समूह, हाँ समूह का सब गठन उठन सब कर दिए हैं। अब इन लोग को है जो अचार बनाना, पापड़ बनाना, बिस्कुट बनाना, केक बनाना, सिलाई मशीन भी मेरे यहाँ रखा हुआ है, सीसीएल के द्वारा दिया गया है, उसको भी रखे हैं, उससे सिर्फ प्रैक्टिस वैक्टिस करा के यानी अपने पर निर्भर, आत्मनिर्भर, हाँ बना देना है किसी तरह से। अरे करोड़ों नहीं कमाएगा, कम से कम रोजी रोटी के लिए तो परिवार को सहयोग कर सकता है, तो यही आप करेंगे कि अगर जनता मौका देगी? हाँ, फिर एकदम फिर बहुत बढ़िया से करेंगे, क्या कि अब सीखते सीखते बहुत कुछ सीख, बहुत कुछ सीख। हाँ, कैसे सीसीएल से? राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा कोई ऐसा डेवलपमेंट फंड आपने लाया है जो एमपी एमएलए एमएससी के फंड को हो, जैसे आपका संपर्क कई लोगों से रहा है, सांसद से, एमपी एमएलए से, तो क्या कुछ सोचते हैं आप? हाँ, उन लोग से भी तो लेना चाहिए, आप लेना ही पड़ता ही सब। हाँ, मैंने लिया, जनसेना से लिया, फिर यहाँ सीसीएल सीसीएल प्रदर्शन से भी लिया, उसने भी बाउंड्री उन्ड्री का दिया, मेरा काम शुरू होने वाला है कुछ, वो सीसीएल से भी लिया, जनसेना से भी लिया मैंने काम। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि अगर जनता मौका देती है तो, जो अनुभव मुझे नहीं था अब हमारे पास अनुभव बहुत आ गया है, और अगर जनता मौका देती है तो इससे बेहतर बढ़ चढ़ कर मैं काम करने का काम करूँगा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट या विकास काम है, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी हुई खबरें शुरू हो सके। धन्यवाद।